नमस्कार, मैं काजल सोनबेर और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। अब हम बात करते हैं एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने बांद्रा स्थित अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल खुदकुशी का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के रहने वाले और मैथ्स के सवालों को चुटकियों में सुलझा देने वाले, इंजीनियरिंग की पढ़ाई को छोड़ बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखने वाले युवा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई स्थित अपने आवास पर खुदकुशी कर ली। ये खबर सबको चौंकाने वाली खबर थी। जिसे सुना उसने कहा वो ऐसा नहीं कर सकता, वो इतना कमजोर नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत अपनी आत्महत्या के पीछे छोड़ गए कई सुलगते सवाल। सुशांत सिंह राजपूत अपने करियर की शुरुआत सबसे पहले उन्होंने किस देश में है मेरा दिल नामक धारावाहिक में काम किया, पर उनको पहचान एकता कपूर के धारावाहिक पवित्र रिश्ता में मिली। करियर की शुरुआत उन्होंने टीवी सीरियल से की। अंकिता लोखांडे के साथ 2009 में पवित्र रिश्ता सीरियल से सुशांत ने अपनी एक्टिंग को पहचान दी, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। खासकर युवा वर्ग उनका जबरा फैन हो गया। सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखांडे इस सीरियल से काफी मशहूर हुए और दोनों काफी करीब भी हो गए। खबरों की माने तो अंकिता लोखांडे सुशांत के परिवार वालों से मिलने गई है, जिसकी एक वीडियो सामने आई है। वीडियो में अंकिता व्हाइट सूट में नजर आ रही है। वीडियो में उनके चेहरे पर छाई मायूसी से ये साफ पता चल रहा है कि वह सुशांत के निधन से कितनी दुखी है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि अंकिता जब सुशांत सिंह राजपूत के गेट पहुंची है तो वह लड़खड़ा जाती है और तभी एक शख्स उनकी बांह थामे उन्हें गेट के अंदर ले जाता है। अंकिता दीवार के सहारे चलते हुए दिख रही है। आपको बता दे, अंकिता लोखंडे से होनी थी शादी, हो गया था ब्रेकअप। अभिनेत्री अंकिता लोखंडे के साथ सुशांत सिंह राजपूत काफी दिनों तक लिव इन रिलेशन में रहे थे और दोनों ने शादी करने का फैसला भी किया था। सितंबर 2005 में सुशांत सिंह राजपूत ने एक शो में कहा था कि दिसंबर 2016 में वह अंकिता के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। कहा जाता है कि सुशांत और अंकिता की शादी दिसंबर 2016 में होने वाली थी। उस दौरान सुशांत धोनी की बायोपिक में काम कर रहे थे और उसकी शूटिंग में बिजी थे। किन्हीं वजहों से 2016 में ही अंकिता लोखांडे और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का ब्रेकअप हो गया। हालांकि कहा जाता था कि सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता दोनों अपनी मर्जी से अलग हुए हैं, लेकिन कम बोलने वाले और किसी से अपनी भावनाओं को शेयर नहीं करने वाले सुशांत इस रिश्ते को लेकर कुछ नहीं कहा था। ब्रेकअप के बाद अंकिता विकी जैन के साथ है। अंकिता लोखांडे इस ब्रेकअप के बाद मुंबई के व्यवसायी विकी जैन के करीब आ गई और दोनों की रिश्ते की बात सामने आई है। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ दिनों पहले दोनों ने सगाई कर ली है। सुशांत सिंह की आत्महत्या की जो भी वजह हो, इस वजह को भी नकारा नहीं जा सकता। आपको बता दें कि प्राथमिक सूचना के अनुसार उनका निधन आत्महत्या के कारण हुआ है। बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत पिछले 6 महीने से मानसिक तनाव में थे, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। सुशांत अपनी मौत के पीछे छोड़ गए अनटोल्ड किस्से। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने वाला, स्वभाव से शर्मिला और कम बात करने वाला चमकता सितारा आज हमारे बीच नहीं है। उसकी मौत की खबर से सभी स्तब्ध है। तरह तरह की बातें की जा रही है। वो पिछले 6 महीनों से डिप्रेशन में थे, उनका इलाज भी चल रहा था, वो इसकी दवा भी खा रहे थे। उनकी मौत से कुछ दिनों पहले उनकी मैनेजर ने खुदकुशी कर ली थी। सुशांत ने कुछ दिनों से दवा खाना बंद कर दिया था। उनकी मौत के पीछे बहुत कुछ है जो अनटोल्ड स्टोरी की तरह है। सुशांत सिंह राजपूत के निधन से उनकी भाभी को सदमा लगा। उनकी कजन भाई की पत्नी का भी बिहार में निधन हो गया। एक्टर की भाभी को उनके निधन से सदमा लगा था, जिसके कारण वह अपने आप को संभाल नहीं पाई। तो वही हाल ही में खबर आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के कजन भाई की पत्नी का भी बिहार में निधन हो गया।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जिस समय यहाँ सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार किया जा रहा था उसी समय वहाँ उनकी भाभी का भी निधन हो गया। कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत की भाभी सुधा देवी को एक्टर के निधन से सदमा लगा था। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि सुशांत के असामयिक निधन के बारे में पता चलने के बाद सुधा देवी ने खाना बंद कर दिया था। बता दे कि सुशांत सिंह राजपूत अपने परिवार के काफी करीब थे। जब एक्टर के पिता को फोन पर उनके निधन के बारे में पता चला तो वह भी बिल्कुल टूट गए थे। बीते दिन एक्टर का मुंबई में ही अंतिम संस्कार किया गया जिसके लिए उनका परिवार पटना से मुंबई आया था। क्या बॉलीवुड में खेमेबाजी की भेंट चढ़ गए सुशांत सिंह राजपूत? जिम्मेदार कौन? सुशांत ने क्यों लगाई फांसी? बॉलीवुड में उठ रहे ढेरों सवाल। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की थीरीज वायरल हो रही है। इतनी कम उम्र में सुशांत के मौत को गले लगा लेने की तमाम वजह बताई जा रही है। कोई कह रहा है कि उन पर आउटसाइडर होने की वजह से दबाव था, तो काम की कमी को उनके इस दुनिया में जाने की वजह बता रहे हैं। हमने इनमें से कुछ वजहों की पड़ताल की। तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटी सुशांत की असमय की मौत पर शोक जाहिर कर रहे हैं और मेंटल हेल्थ पर खुलकर सामने आने का सलाह मशवरा दे रहे हैं। हालांकि सिलेब्स की इन पोस्ट पर कई फैंस और स्ट्रगल आर्टिस्ट ने डबल स्टैंडर्ड रवैये के लिए सवाल उठाए हैं। वही अनुभव सिन्हा की पोस्ट के साथ सोशल मीडिया पर आउटसाइडर वर्सेज नेपोटिज्म की बहस ने भी जोर पकड़ लिया है। धर्मेंद्र, कंगना रनौत, शेखर कपूर, मीरा चोपड़ा, रजत बरमेचा, रणवीर शौरी, सपना भवानी और निखिल द्विवेदी जैसे कई बड़े नामों ने सुशांत की आत्महत्या के बाद इंडस्ट्री में भेदभाव पर सवाल उठाए हैं।